बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिज़वी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज जुमेरात 28 मार्च है और हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग की। 174वां रोज़ है आज और जंग बंदी करारदाद मंजूर हुए भी 2-3 रोज़ गुजर चुके हैं। तो जंग बंदी करारदाद मंजूर होने के बाद गजा की क्या सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। और एक और स्टोरी भी इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियाँ ग्रैब किए हुए है रमज़ानुल मुबारक के दौरान, और स्पेशली मौजूदा हालात के तनाजर में जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है उसके तनाजर में इस स्टोरी पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर भी वीडियो के लास्ट में बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको मौजूदा सूरत हाल बता दूं, जो जंग बंदी करारदाद है अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर 6 महीने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का टाइम ज़ाया करवाया गया। 6 महीने अमरीका की जानिब से नखरे किए गए, हाथ बुलंद किए गए। आखिरकार 6 महीनों के बाद अमरीका ने अब्सटेन किया और जंग बंदी करारदाद मंजूर हो गई। बहुत ज़्यादा मुबारकबादें, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार अरब कम्युनिटी की जानिब से, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की जानिब से किया गया। और ये भी मुतालबा किया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से, यूनाइटेड नेशंस के चीफ से, कि इस करारदाद को आपने अब इम्प्लीमेंट करवाना है। करारदाद किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाई जा रही है, ये गजा की सूरत हाल मैं आपको बता दूँ कि एयर रेड्स ऑल अक्रॉस गजा, स्पेशली जो नॉर्दर्न गजा है वहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सहूनियों की एयर रेड्स रिपोर्ट हुई हैं। 170 शहादतें और 195 से ज़्यादा ज़ख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं। ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रीसेंट डेटा है, चंद घंटों कबल ये जारी हुआ। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर 32,490 शहादतें और 74,890 ज़ख्मी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और जिस तरह के मजालिम हैं, एक वीडियो जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं कि फ़लस्तीनी नौजवान सफ़ेद झंडा थामे, फ़लस्तीनी नौजवान को किस तरह से सहूनियों ने पहले शहीद किया और फिर बुलडोज़र से इसको वहीं पर दफन कर दिया इन सहूनी फोर्सेस ने। यानी कि जंग बंदी करारदाद मंजूर होने के बाद ये कहा जाए कि इनके मजालिम और ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वेस्ट बैंक के अंदर गिरफ्तारियां भी जारी हैं और अगर इंटरनेशनल इदारे आवाज़ उठाने लगते हैं, जैसे यूएन एक्सपर्ट ने जो आपको नज़र आ रही हैं, इन्होंने कहा कि जी नस्ल कुशी तो है और उसके साफ साफ साइंस भी हैं, एविडेंस भी हैं, एक नहीं है बल्कि दर्जनों हैं, इस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट दी, कैमरे के ऊपर बैठकर दी, तो इसराइलियों की जानिब से, सहूनियों की जानिब से इन्हें धमकियां मिलने लगी हैं कि हम तुम्हें पकड़ लेंगे, हम तुम्हारा रेप कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। इस तरह की बातें इंटरनेशनल इदारों के जो ऑफिशल्स हैं, जो हेड्स हैं, उनको लेकर इस तरह की बातें सहूनियों की जानिब से क्यों की जा रही हैं, ये देख लें। अमरीका ने मजम्मत की है, एंटी सेमिटिज्म के ज़ुमरे में ले आते हैं, ये सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में ले आते हैं जो भी इस तरह की स्टेटमेंट हो सहूनियों के ख़िलाफ़। तो सहूनियों का इंटरनेशनल जो वकील है वो हर जगह पर मौजूद है सहूनियों को डिफेंड करने के लिए, चाहे अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर इसने घुटने टेक दिए, हार मान ली, लेकिन ये अभी हार नहीं मानेंगे। ये जो दोनों हैं, सहूनी और सहूनी माइंडसेट के जो इत्तेहादी हैं, ये अभी हार नहीं मानेंगे। और इस तरह अगर कोई आवाज़ उठाएगा इन सहूनियों के ख़िलाफ़ तो अमेरिका सबसे पहले उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इस्माइल हानिया तेहरान पहुंचे थे, वहाँ पर आयतुल्ला अली खामेनाई से मुलाकात की और इस मौके पर इस्माइल हानिया जो हमास के चीफ हैं उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने पुरुमीद वो नज़र आए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर जंगबंदी करारदाद मंजूर हो गई। उन्होंने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसराइल की हरकतें देखने के बाद, इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो साथ है वो अब सहूनी खोते हुए नज़र आ रहे हैं, मुजाहिदीन डटे हुए हैं, सहूनियों को टफ़ टाइम दे रहे हैं। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मसले फ़लस्तीन को समझ चुकी है, फ़लस्तीनियों की साइड पर आकर खड़ी हो गई है। हक और बातिल साफ साफ पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, अगर कोई आंखों पर पट्टी ना बांधे तो उसे साफ साफ हक और बातिल नज़र आ रहा है। तो इस्माइल हानिया ने उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले दिनों में इसी तरह से मुजाहिदीन यहाँ पर सहूनियों को मैदान जंग के अंदर टफ टाइम देते रहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल एरिना के अंदर तमाम मुसलमान ममालिक और इंसानियत के नाते जो कंट्रीज साउथ अफ्रीका जैसे, गजा के साथ रशिया जैसे, चाइना जैसे खड़े हुए हैं, उनसे मुतालबा किया इस्माइल हानिया ने कि इसी तरह से प्रेशराइज करते रहें सहूनियों को। और इस करारदाद पर अमल दरामद सिर्फ यूनाइटेड नेशंस ने नहीं करना बल्कि पूरी आलमी बरादरी ने मिलकर
इस करारदाद पर अमल दरामत करवाना है। अब मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि चैप्टर 7 आर्टिकल 41 और 42 हैं, चैप्टर 7 के आर्टिकल 41 को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी कैंपेन्स चल पड़ी हैं। और इस आर्टिकल 41 को इम्प्लीमेंट करवाने का पहला नुक्ता ये है कि आपने इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ना स्टार्ट कर देने हैं, चाहे तिजारती ताल्लुकात हैं, सिफारती ताल्लुकात हैं, वो आपने तोड़ना स्टार्ट कर देने हैं। पहल किसे करनी चाहिए? पहल करनी चाहिए अरब कंट्रीज को, वो अरब कंट्रीज जो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करके बैठे हैं, उन्हें पहल करनी है इस आर्टिकल 41 को इम्प्लीमेंट करने की, उन्हें पहल करनी चाहिए। लेकिन जो पहल है वो साउथ अफ्रीका की जानिब से बहुत ज़्यादा साइंस हैं कि साउथ अफ्रीका की जानिब से आर्टिकल 41 को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से पहल की जाएगी, अरब लीग के कंट्रीज आगे नहीं आएंगे। अब मैं एक TRT के ऊपर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल के अंदर लिखने वाले ने कड़वा सच लिख दिया और उसने ये लिखा कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक पावर स्ट्रगल है, एक कोल्ड वॉर है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, और इसने अल्फाज ये लिखे कि ये पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर अपना अपना ब्रांड जो है वो उसे डोमिनेंट देखना चाहते हैं, जैसे जो शिया हैं और सुन्नी हैं, फिरका वारियत। तो इस वजह से यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर ये जंग स्टार्ट हुई, ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुई। लेकिन रियलिटी देखने के बावजूद, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर रियलिटी देखने के बावजूद, अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की रियलिटी देखने के बावजूद भी सऊदी अरेबिया ईरान से दुश्मनी के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है, और ये अरब कंट्रीज के, इन्हें फलस्तीन भी नहीं नज़र आ रहा, इन्हें यमन के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर जो कुछ किया अमेरिका ने, सऊदी अरेबिया ने, अरब कंट्रीज ने आंखें बंद कर ली। और आज भी गजा की ये हालत हो चुकी है कि मस्जिदुल अक्सा की हुरमत पर बात आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज जो हैं वो ना ही हार मानने के लिए तैयार हैं सहूनियों से, नहीं ईरान से, और ना ही ताल्लुकात तोड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा है, ये किसका इंजेक्ट किया हुआ है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मुसलमानों को डिवाइड करके तोड़ना बहुत आसान है। अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाएं तो फिर कौन सा अमेरिका और कौन सा यूरोप मुसलमानों के आगे टिक सकता है। अब इन कंट्रीज़ को, जो OIC के जो लीडर्स हैं, इन कंट्रीज़ को मुजाहिदीन से सबक लेना चाहिए। अब ये जो हमास के मुजाहिदीन हैं, इनका फ़िरका क्या है, हिजबुल्ला के मुजाहिदीन का फ़िरका क्या है, हौसी मुजाहिदीन जैदिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये ना सुन्नी है ना शिया हैं, इनका झुकाव ज़्यादा अहले सुन्नत की तरफ है। तो ये हाथ में हाथ डालकर, कंधे से कंधा मिलाकर सामने सहूनी हैं, तो एटलीस्ट आपको अब तो एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए। इतनी कौन सी फ़िरका वारियत मेंबरों से आपके अंदर इंजेक्ट कर दी गई है कि आपको सामने ना अमेरिका जैसा शैतान नज़र आता है, ना ही सहूनियों जैसा दज्जाल नज़र आता है। आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं कि ये देख लें, ये सऊदी अरेबिया की एक मॉडल हैं और इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये तस्वीर शेयर की और ये अनाउंस किया बड़ी खुशी के साथ। गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना, और मैं भी सोच रहा था कि तस्वीर आपके साथ कैसे शेयर करूँगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल मीडिया भरा हुआ है, इंडियन मीडिया भरा हुआ है, तारीख में पहली मर्तबा सऊदी अरेबिया की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में और गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है उस दौरान सऊदी अरेबिया की जानिब से, उसकी एक मॉडल की जानिब से अनाउंस किया गया कि मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही है। मिस यूनिवर्स का कंपटीशन, आपको मालूम है, झंडा तो देखें, हलवे पर शोर मचाने वाले मौलवी वो कहाँ पर हैं, क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही, क्यों इन हरकतों पर खामोशी है? क्योंकि यहाँ पर भी एक डिवीज़न है, एक तकसीम है, एक फ़िरका वारियत है। तो हमने फ़िरका वारियत की तासुब की ऐनक अपने ऊपर लगा ली है। सऊदी अरेबिया, अरब कंट्रीज़ को तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, उन्हें तो अपने गिरबान के अंदर झांकने की ज़रूरत है। ये जो हरकतें वो कर रहे हैं, तो जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जो प्रिडिक्शंस हैं, तो उन्होंने ये बताया, मैं उनका एक लेक्चर सुन रहा था, तो वो दुरुस्त लगती हैं। इस तरह की हरकतें देखने के बाद वो प्रिडिक्शंस दुरुस्त लगती हैं कि अभी इन सहूनियों को नहीं रोक सकेगी ये उम्मत जो है, ये डिवाइडेड है,
ये अभी इन सहूनियों को नहीं रोक सकेगी। ये सहूनी अपना ग्रेटर इसराइल मंसूबा इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सऊदी अरेबिया और तुर्किया तक पहुंचेंगे। तुर्किया के हवाले से जो खबर गर्दिश कर रही है आप तक पहुंची होगी कि ये असलहा बेच रहे हैं। जनवरी 2024, ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, गन पाउडर और पता नहीं कौन कौन सा असलहा इनकी जानिब से सहूनियों को बेचा गया। रजब तैयब अरदवान सुल्तान, जो खाना काबा की चाबी लेने के चक्कर में हैं, वो असलहा बेच रहे हैं चोरी छुपे इन सहूनियों को। और इनकी जानिब से बहरहाल ये कहा गया, डिनाई किया, TRT ने रिपोर्ट किया, इनके ऑफिशियल्स ने डिनाई किया कि झूठी रिपोर्ट है, सबूत भी प्रोवाइड किए। बहरहाल रेड कारपेट इस्तकबाल आप करते हैं, पूरी दुनिया के सामने है। आपका जो छोटा भाई है अजरबैजान, वो तेल भी बेच रहा है, असलहा भी बेच रहा है, आप उसे भी मना नहीं करते, हालांकि आपका आपका असर व रसूख इतना है अजरबैजान के आप ऊपर के आप उसे शट अप कॉल दे सकते हैं। लेकिन आपकी हरकतें, आप जितनी मर्जी जस्टिफिकेशंस देते रहें, लेकिन पूरी दुनिया अंधी नहीं है। आपकी हरकतें पूरी दुनिया के सामने है कि आप गले में मफलर डाल डाल के, आपने जब इंतखाबात से कबल कहा था कि मेरी फौजें यूं आ जाएंगी और वो आ जाएंगी, किधर हैं फौजें? आप दोबारा सदर बन गए तो फौजें कोई नहीं हैं। अब ये जो तकसीम है, ये जो आपसी लड़ाई है मुसलमानों की, इसकी वजह से मुसलमानों को इस चीज़ से कितने फ़िरके हैं, सहूनियों के 5 से ज़्यादा, ईसाइयों के कितने फ़िरके हैं, क्यों उन्हें हाईलाइट नहीं किया जाता? अब ये जो इंडियन मीडिया है और जो यूरोपियन मीडिया है, मगरबी मीडिया है, कुछ साल पहले चले जाएं तो ये शिया और सुन्नी कहकर ख़बरें नहीं पढ़ा करते थे। अब ये शिया और सुन्नी कहकर ख़बरें पढ़ते हैं और हम भी उन ख़बरों को इंजॉय करते हैं कि यहाँ पर जो है वो शिया बाजी ले गए और यहाँ पर ईरान बाजी ले गया, वहाँ पर सऊदी अरेबिया बाजी ले गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक कंपटीशन चल पड़ा मुसलमानों के अंदर। इस कंपटीशन से हमें जितनी जल्दी हम बाहर निकलेंगे उतना पूरी उम्मत के हक में बेहतर है। और ये जो मैंने सऊदी अरेबिया से मुतलिक आपके साथ स्टोरी शेयर की, इसके हवाले से आपने कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है और अपने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठानी है, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये LGBTQ तक पहुंचा देंगे मुसलमान ममालिक को। और सबसे पहले ये सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज ही होंगे जो LGBTQ को भी लीगलाइज करेंगे। अगर ये हरकत ये कर सकते हैं तो वो हरकतें भी इनकी जानिब से की जा सकती हैं, क्योंकि ये आपसी लड़ाई के चक्कर में अमेरिका के पीछे पीछे भेड़ की तरह चलते जाएंगे। लेकिन मुजाहिदीन डटे हुए हैं, मुजाहिदीन मैदान जंग के अंदर सहूनियों को टफ टाइम दे रहे हैं। हिजबुल्ला के मुजाहिदीन, हमास के मुजाहिदीन, हौसी मुजाहिदीन, फिरका वारियत और इससे बिल्कुल बालातर होकर वो मस्जिदुल अक्सा की हुर्मत के लिए बिल्कुल एक सफ में खड़े हुए हैं। और यही ईमान की ताकत, अल्लाह ताला की मदद से, हमारी और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह मुजाहिदीन इनको। और जो स्टेटमेंट सामने आई हमास की, जो स्टेटमेंट है हमास ने कहा कि कैदी भूल जाओ, जब तक हम अपने अहदाफ हासिल नहीं करेंगे, जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होगा, तो तुम्हें ज़मीन और आसमान ढूंढ लो, तुम्हें कैदी कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, इसलिए बेहतर यह है कि बातचीत की टेबल पर बैठो और मसले फ़लस्तीन का हल तलाश करते हैं। ये हमास की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। ये जो करारदाद है, जंगबंदी की करारदाद है, इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, यानी कि सहूनियों के साथ ताल्लुकात, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात तोड़ने के लिए, सबसे पहले कौन सा मुल्क आगे आएगा, नज़र रखेंगे। दुआ करते रहें, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।